नमस्कार, डेली मिरर में आपका स्वागत है। मैं सुनाली। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर 5 युवक को 2 अपाची बाइक तथा 1 स्कूटी के साथ किया गया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक अपाची मोटरसाइकिल से सवार 2 व्यक्ति जगदीशपुर से भागलपुर शहर प्रवेश करने वाले हैं। गुप्त सूचना के आधार पर बावरगंज थाना के DBC चौक पर वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। उस संदेह के आधार पर बाइक की चेकिंग की गई, जिसमें 5 युवक आशीष कुमार, मंजित कुमार, गुलशन कुमार, मोहम्मद वाजिद, आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसे गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। चोरी के मोटरसाइकिल पर कुछ जो 2 व्यक्ति हैं जो चोरी या लूट करने की घटना को अंजाम देने के लिए भागलपुर की तरफ आ रहे हैं, तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए बाबरगंज थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जिसके द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में एक अपाचे मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है आशीष कुमार और मंजीत कुमार। ये दोनों के से जब पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि वो जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की है, तथा पूर्व में भी कई सारी लूट की घटनाओं में, चोरी की घटनाओं में ये लोग शामिल रहे हैं। आशीष कुमार परबत्ता थाना से लूट के कांड में पूर्व में जेल जा चुका है और बांका से भी शराब के मामले में जेल जा चुका है। इसके अलावा इसके द्वारा बताया गया कि कई अन्य भी चोरी और लूट की घटना में ये शामिल रहा है, जैसे बराड़ी में इसके द्वारा बताया गया कि माघी पूर्णिमा के दिन मोटरसाइकिल की चोरी की थी, V2 मॉल के पास से चोरी की थी, और भी कई जगह के बारे में इसके द्वारा बताया गया है। साथ में ही 3 अन्य अभियुक्तों के को पकड़ा गया है, जो कि इसके निशानदेही पर पकड़ा गया है, और 2 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी और 1 अपाचे मोटरसाइकिल और बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके नाम है आशीष कुमार जो कि नौगछिया का रहने वाला है, मंजीत कुमार जो कि परबत्ता खगड़िया का रहने वाला है, गुलशन कुमार जो कि नौगछिया दुर्गा स्थान का रहने वाला है, आशीष कुमार जो कि तेतरी नौगछिया का रहने वाला है, और मोहम्मद वाजिद जो कि एक गैराज का मिस्त्री है, वो इस्माइलपुर थाना जिला नौगछिया का रहने वाला है। इस तरीके से अभी तक यह जानकारी मिली है कि नौगछिया खगड़िया के कुछ लोग आपस में गिरोह बना करके मोटरसाइकिल चोरी की घटना और लूट की घटना करके फिर वापस उसको नौगछिया में बेच देते हैं, और ख़ास करके जो गैराज है उन सभी को बेच देते हैं, और उस पर नंबर भी चेंज किया गया है। एक जो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है उस पर जो इंजन नंबर है, चेसिस नंबर है, उसको भी इन लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ किया है। तो अन्य जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में आया है, अन्य जो मामले जिसमें ये शामिल रहे हैं, तो उसके भी अनुसंधान में इससे मदद मिलेगी और एक बड़े गिरोह का ये समाप्ति हो जाएगी। घोघा में अपराधियों ने गोली मारकर युवती की हत्या। मंगलवार को देर रात घोघा थाना क्षेत्र के पन्नूचक में धर्मेंद्र मंडल की पत्नी सोनम देवी की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। बताया जाता है कि सोनम देवी अपने जीजा के घर में रहती थी, पति बाहर रहकर काम करता था। घटना के समय वह घर पर अपने 3 बच्चे के साथ सोई हुई थी। घर पर कोई पुरुष सदस्य नहीं थे। मौके की सूचना मिलते ही घोघा थाना प्रभारी शंभू कुमार पासवान तथा DSP रेणु कृष्ण मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात की। सुबह सबको पोस्टमार्टम। कहलगांव में नगर पंचायत के निकाय कर्मचारियों द्वारा 11 सूत्री मांग को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज कहलगांव नगर पंचायत के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी 11 सूत्री मांग की पूर्ति हेतु अध्यक्ष संजीव कुमार झा के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। उन्होंने बताया कि आज से निकाय कर्मियों द्वारा मांगों की पूर्ति के लिए चरणबद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 सितंबर से हम लोग राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारा बिहार लोकल बॉडी फेडरेशन के द्वारा जो 20 तारीख का जो हड़ताल का था, जो मंत्री जी के आश्वासन के बाद हम लोगों ने तोड़ दिया, इसको अभी हम लोगों ने 5 तारीख को किया था। आज मशाल जुलूस प्रतीकात्मक रूप में आज किया गया है, कल 5 तारीख को हम लोग राज्यव्यापी हड़ताल शुरू करेंगे। हड़ताल ने स्थगित किए थे 20/8/2019 को स्थगित जो किए थे हम लोग हड़ताल, तो मंत्री जी के आश्वासन पे किए थे कि जो कुछ निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज 4 तारीख हो गया, अभी तक कोई इस पे निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए हम लोग संघ का जो लेटर है उसके एवज में, उसके विरोध में जो हम लोग जो है आज 4 तारीख को
मशाल जुलूस, और कल 5 तारीख को जो है 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे हम सभी कर्मचारी। पूरे बिहार में जितना कर्मचारी संघ के जो है सदस्य हैं और कर्मचारी हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, सभी कर्मचारी हम लोग 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मुख्य मांग क्या है आप लोग? 11 सूत्री मांग।